ओके सो प्रीवियसली हम कैपेसिटर्स पे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। सो हमने क्वेश्चंस 120 तक कर लिए हुए थे, 120 तक। सो फिर से एक बार, बिफोर 120, 50 to 120 तक किसी के कोई डाउट रह गए हैं, कोई क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। बताएं, बिफोर 120 किसी का कोई डाउट है क्या? सब ओके, एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है क्वेश्चन नंबर 110 का। ओके, तो यार 110 में एक बार फिर देख लेते हैं। यार पॉइंट ये है कि बहुत टाइम ऐसा होता है मैं क्वेश्चन फास्ट रीड कर रहा हूँ, तो मेरा टारगेट होता है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, ठीक है, ना कि ये देखना कि 4/2 की वैल्यू मतलब 2 आएगी या 2.5 आएगी। वो आप लोग ध्यान दे सकते हो, मेरा टारगेट क्या है ये डिस्कस करना कि क्या एग्जैक्टली वहां पर हो रहा है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। जल्दी में कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स हो सकती है डेफिनेटली। सो क्वेश्चन 110 में मिस्टेक क्या हुआ है? क्वेश्चन में 110 में क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, क्वेश्चन फ्लिप कर दिया हुआ है, हमने ध्यान नहीं दिया। यूजुअली ये प्लस प्लेट होती है, ये माइनस प्लेट होती है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो जो जीरो पर रखी है वो प्लेट कैसी है, वो प्लेट कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव है। तो बस ये क्वेश्चन इतना फ्लिप हो गया है, उसमें तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, अब आप इतना तो ध्यान देंगे ना, ये प्लेट अगर नेगेटिव है, ये प्लेट पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट। राइट से लेफ्ट होगी ना। और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा? डिक्रीज 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 होगा। तो अगर हम अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। इस केस में भी बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन में पूछूं, मैं डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, तो ओवरऑल क्वेश्चन में बिकॉज सी इंक्रीज कर रहा है तो उस सिस्टम का भी क्या हो गया होगा? कम डिक्रीज हो गया होगा। तो यहाँ पर सिस्टम का भी नहीं पूछ रहा था, यहाँ पर सिस्टम का भी नहीं पूछ रहा था, क्या वी पूछ रहा है? अगर हम एक्स जीरो से एक्स इज इक्वल टू 3 तक के लिए चेक करें, ट्रेवल करें, तब क्या चेंजेस आएंगे? तो इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रेवल है वो इधर से इधर की तरफ है, तो किस डायरेक्शन में है? हमारे डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा जी, बिकॉज क्वेश्चन में जो है प्लेट उल्टा दे दिया है, तो आपको समझना चाहिए यार इसमें कॉन्सेप्ट। तो हाँ ठीक है, सी इसका ऑप्शन करेक्ट है, नो इश्यूज। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इसका आंसर करेक्ट है, क्योंकि इसमें फ्लिप कर दिया हुआ है, इसे नेगेटिव और उसे पॉजिटिव किया। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन रहे तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं यार व्हाट्सएप पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे डिस्कस करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 25 तक बताएं डाउट्स। 24 ठीक है, 24 और कोई टिल 25? चले समझते 24। ये तो मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या कि हमें पता है कि अभी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्टली डिपेंड करती है ना डाइलेक्ट्रिक पे, क्या हो जाती है? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड क्या हो जाती है? इनसाइड। बताया अगर डाइलेक्ट्रिक पूरा फिल कर दिया है तो ई नॉट बाई के, तो के का आंसर कितना आ जाएगा भाई? ई नॉट 5 × 10⁵ बाई 2 × 10⁵। क्या टेंशन है इसमें? 3 दिया है आंसर। क्या दिया है? 3? नहीं यार गलत है यार, आंसर डी होगा। ओके क्लियर है सभी को? करेक्ट कर लेंगे, आंसर डी होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट बताए 30 तक। 28 और कोई टिल 30? देखें
ओके तो यार बैटरी स्टिल कनेक्टेड है तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगा इस बार? पोटेंशियल. और हमने बिकॉज के इंट्रोड्यूस किया है तो बिकॉज ऑफ सी क्या हुआ होगा? बिकॉज ऑफ के सी क्या हो गया होगा? इंक्रीज हो गया होगा. क्लियर. तो अगर सी इंक्रीज हो गया, वी कांस्टेंट रहने वाला है, तो क्यों क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो बेटा ये डाउट कैसे आ जाता है, मुझे समझ नहीं आया इस क्वेश्चन में डाउट कहाँ पर आया था आपको, वो बताएं पहले. क्या चीज इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम कर रहा था वो बताएं. सर वो वी कांस्टेंट. अगर आप वी कांस्टेंट नहीं सोच रहे हो तो लास्ट लेक्चर से मैं कितनी बार किया है यार बेटा, कितनी बार ये यूज किया है कि यार कैपेसिटर में कुछ भी चेंजेस कर रहा है तो क्या चीज चेक करनी है, वो आइसोलेटेड है या बैटरी से कनेक्टेड है. बस इतनी तो बातें बोली है ना यार, आइसोलेटेड या बैटरी से कनेक्टेड है. और बार बार बोल रहा है ये इंपॉर्टेंट थ्योरी का कंक्लूजन है, इनको अच्छे से याद करेंगे जो लास्ट लेक्चर में था. ठीक है, बोले 35 तक बताए. 32 और बताएं. 35 तक कोई और डाउट? ओके देखें 32. ओके तो देखें यार कैपेसिटर है और वो उसका कैपेसिटेंस कुछ सी है. अभी डाइइलेक्ट्रिक 5 फिल कर दिया, कितने में? हाफ में. तो यहाँ पर क्या फिल कर दिया हमने? K is equal to 5. तो बताओ यार ऊपर वाले का K कितना है? 1, क्योंकि एयर है, कुछ नहीं है वहां पर. क्या है वहां पर? एयर. तो बताओ अगर ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है तो क्या निकालते हैं यार, कैसे निकालते हैं K equivalent? K1 plus K2 by 2. पक्का सभी को समझ आया क्या आने वाला है आंसर? 5 plus 1 by 2 मतलब कितना? 3. इसका मतलब के इक्विवेलेंट 3 टाइम्स हो गया है. समझा कि नहीं? तो सी इक्विवेलेंट कितना हो गया इसका मतलब? 3 टाइम्स ऑफ सी नॉट. यार बताएं क्लैरिटी है कि नहीं? यस सर. तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? परसेंटेज इंक्रीज. तो इंक्रीज कितना हुआ? 200%. तो आप लोगों ने ऐसे ही थॉट दिए थे या कुछ और सॉल्व कर रहे थे? ऐसे ही किया था. ऐसे ही किया है. ओके नेक्स्ट 40 तक बताए. 37. 38. चले 37 समझ लेते हैं. ओके ठीक है, मतलब चार्जेस बदल गए, डायलेक्ट्रिक हटा दिया. यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया. किसी को ये बन गया ऑलरेडी? बताएं किसी स्टूडेंट को ये बन गया था? किस स्टूडेंट को ये सॉल्व हो गया था बताएं यार. किसी को सॉल्व नहीं हुआ ये? यार ये तुम लोग ट्राई भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यार, मुझे तो अब डाउट होने लग गया है. अगर बेटा इसमें के था तो ये सी नॉट है तो ये कितना रहा होगा? सी टू. के टाइम्स ऑफ सी नॉट. क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल हैं दोनों. ठीक है, और दोनों में चार्जेस कितने हैं? Q1 and Q2. ठीक, तो मुझे पता है कि V बैटरी लगी है, अब मुझे इन पे चार्जेस निकालने हैं. कैसे हो जाएगा? तो पहले सी इक्विवेलेंट चाहिए पड़ेगा. सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? दोनों सीरीज में है तो क्या आएगा? मतलब क्या आएगा? K/K+1 आ जाएगा. समझा कि नहीं यार? ये समझा कि नहीं? हाँ. तो इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे अब इन दोनों पे चार्जेस या पोटेंशियल ये सब कुछ पता चल जाएगा. क्लियर? स्टेप वन, मुझे अब दोनों पे चार्जेस चाहिए, मतलब Q1 एंड Q2. तो Q1 कितना हो जाएगा? C into V. V. तो V इतना है. C दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया हमने यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा टोटल चार्ज? Q टोटल कितना निकल आएगा? C into V. तो मतलब ये यही रहेगा, के के प्लस ये रहेगा, सी नॉट इनटू ये हो गया टोटल चार्ज. अभी लेकिन क्या करना है, डाइइलेक्ट्रिक हटा देना है. तो मुझे पता है कि अगर डाइइलेक्ट्रिक हटाए तो इसका सी बदल जाएगा, सी बाय टू. हाँ, लेकिन क्या चीज सिस्टम का सेम रहेगा? वोल्टेज भी कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब क्या बदल गया होगा? चार्ज बदल गया होगा. ओके तो चार्ज बदल गया होगा, इसका मतलब अब हमें चार्ज निकालना है. तो नया चार्ज क्या आ जाएगा? नए के अकॉर्डिंग आ जाएगा. Q टोटल नया वाला कितना आ जाएगा? C by 2 into V. एक मिनट, C दोनों का सेम है तो C कितना आ जाएगा? C by 2 into V. V. ये आ जाएगा अपना. अभी इसके बाद क्या है, अब हमें रेशियो चाहिए. तो बात ये है कि दोनों सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज में. तो क्या दोनों में चार्ज सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा. इसका मतलब दिस इज नथिंग बट Q1 एंड Q2. सही है ना? तो इसका मतलब ये जो आया है ये क्या है? नथिंग बट Q1 डैश एंड Q2. तो रेशियो वन आएगा यार. फिर तो सॉल्व ही नहीं करना था हमें भाई, कॉम्बिनेशन ही सीरीज है तो चार्जेस का रेशियो बाद में पूछ रहा है. Q1 डैश बाई Q2 डैश पूछ रहा है तो आएगा वन ही आएगा. तो Q1 डैश नहीं पूछ रहा, डैश और उल्टा पूछ रहा है, न्यू वर्सेस ओल्ड पूछ रहा है. आप समझ रहे हैं क्या पूछ रहा है? न्यू वर्सेस ओल्ड. तो न्यू वर्सेस ओल्ड का रेशियो क्या आएगा? Q डैश बाई Q का रेशियो क्या आएगा? Q डैश बाई Q मतलब क्या होगा? सी वी नॉट कैंसिल होगा और सी वी नॉट कैंसिल, के प्लस वन ऊपर आ जाएगा, टू के नीचे आ जाएगा, मतलब के प्लस वन अपॉन टू के. ये रेशियो रहेगा चाहे किसी का भी निकाल लो, Q1 डैश बाई Q1 का निकाल लो या फिर Q2 डैश बाई Q2 का. ओके यस सर. यस सर. हाँ, अच्छा क्वेश्चन था बट थॉट थोड़ा सा इसमें सीरीज वाला ध्यान देना. क्लियर है? हाँ सर. सी मन रहा है. 38 देखें. ओके तो इसमें क्या हुआ हो रहा है कि पहले दोनों कैपेसिटर किससे कनेक्टेड है? बैटरी से. इसका भी वोल्टेज भी और इसका भी वोल्टेज भी. कितनी एनर्जी आ जाएगी दोनों में? हाफ सीवी स्क्वायर. अब क्या हुआ, स्विच को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. स्विच को क्लोज कर नहीं, ओपन किया ना. स्विच को ओपन किया और कैपेसिटर में क्या कर दिया? डाइइलेक्ट्रिक बल. डाइइलेक्ट्रिक. तो इसका 3C हो गया होगा, इसका भी 3C. भाई समझा कि नहीं? हाँ सर. स्टेप टू में दोनों का 3C हो गया होगा. अब लेकिन बहुत ही काम की बात है. क्या काम की बात है कि ये कैसा सिस्टम है बताइए? स्विच तो ओपन है ना, तो ये कैसा सिस्टम है? चार्जी. अरे यार, जब भी कोई फिजिकल चेंजेस करते हैं, के लेके आते हैं या डिस्टेंस वगैरह चेंज करते हैं, तो दो ही बातें सोचनी है. पहला वाला कैपेसिटर कैसा दिख रहा है? अरे कांस्टेंट वोल्टेज. और दूसरा वाला
आइसोलेट। एक मिनट यार, पक्का तुम लोग को नहीं समझ आया कुछ? रुको, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी कभी कैपेसिटर वगैरह में ऐसे डाइलेक्ट्रिक बाद में इंसर्ट करते हैं तो हमें क्या सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट है, क्या सोचना पड़ता है? कांस्टेंट कौन सी, कांस्टेंट कौन सी, फिर हम बाकी चीजें इंटरप्रेट कर पाएंगे ना। अभी क्लियर हुआ? तो ए वाले के साथ क्या होगा, ए वाले का वी कांस्टेंट है, सी बढ़ गया है तो क्या आ जाएगा क्यू? 3CV। सी भी है, क्या हुआ? 3CV। हाँ ये हो जाएगा क्यू, वी सेम रहेगा, वी सेम रहेगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एनर्जी डायरेक्टली कैसे लिख देंगे, हाँ 3C इंटू V square। लेकिन बी वाले में ऐसा होगा क्या? नहीं सर, नहीं। उसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है? चार्ज कांस्टेंट रहेगा, तो उसका 3C हो गया। बट मैं अब U2 अगर मैं कहूं आपसे कि आप 3C इंटू वी स्क्वायर लिखो तो ये गलत है। हमें क्या यूज कर लेना चाहिए? Q square by 2C। और Q कितना था उसमें, पहले रहा होगा ना क्योंकि चार्ज नहीं चेंज होना, तो Q इनिशियल कितना है? 3V। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सी डॉट वी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, यहाँ नीचे क्या आएगा सी की जगह 3C। तो आंसर कितना आ गया, 1/6 CV स्क्वायर। समझा कि नहीं सबको, जबकि यहाँ पर कितना आया 3/2 CV स्क्वायर। ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में, तो ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, आपको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट नोट्स में। समझा कि नहीं बताइए। हाँ सर, सिर्फ काम ये था कि इनिशियल सिचुएशन अलग थी और फाइनली मैं एक को अलग रखा और एक को और अलग रखा, मतलब बहुत ही क्वालिटी चीज हो गई है। एक को कांस्टेंट वोल्टेज भी पूछ लिया और एक को ये। मैं बताता हूं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना इन्हें बोलते हैं एक्चुअल एग्जाम टाइप। अगर मुझे इस पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पिक करना हो ना तो मैं ऐसा टाइप ही पिक करूंगा। वैसे मेरा मतलब एग्जाम को लेके है, ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि टेस्ट में यही क्वेश्चन आ जाएगा, थॉट ये है कि टेस्ट के लिए मतलब आपको पूरा चैप्टर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट इन पे फोकस ज्यादा देना होता है। ऊपर 3CV क्यों नहीं, ऊपर कहाँ पे? क्यू में बेटा क्या लिखा है यहाँ पर, क्या होगा आइसोलेटेड के साथ? कांस्टेंट। तो बेटा इनिशियली कितना था उसके पास, सीवी। तो फिर फाइनली कितना होना चाहिए? यस सर। समझा, अगर बेटा ऊपर 3C रख दोगे तो बिल्कुल पहले ए जैसा आंसर आ जाएगा, डिफरेंस कुछ हुआ ही नहीं। अभी समझा कि नहीं? यस सर। तो पूछा है कि टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी बताओ अभी कितनी हो गई, 3/2 + 1/6। 3/3 का मल्टीप्लाई किया 10/6 आया, मतलब कितना 5/3। ओके क्लियर सभी को? ए होगा। सर 3/5। तो यार देखो यार, अब देखो यार इस चीज को, ये बात मैं आपको कितने बार मतलब लिख के बता दूं बेटा, जब भी रेशियो ऐसे दिया है, मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, मुझे जल्दी से डिस्कस करना है चीजों को, तो मैं ये बार बार सिखाता रहूंगा क्या कि बेटा 5/3 है, 3/5 है, तो क्वेश्चन फिर से रीड करो कि रेशियो किसका पूछा है। सिखाऊं क्या ये डेली हर बार क्वेश्चन में बताऊं? देख लो यार क्या रीड कर रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक स्टोर्ड एनर्जी इन बोथ द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। तो बेटा पहले बिफोर थी हाफ और हाफ सी वी स्क्वायर,
और आफ्टर हो गई है बेटा 5/3 सीवी स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 3/5। अगर ये आपको मुझे बार बार बताने की जरूरत पड़े तो फिर बेकार है, आप लोग प्रिपरेशन बंद कर दो, कुछ और करने लग जाओ। चले ठीक है भाई, आंसर ये नहीं है यार, माई मिस्टेक, आंसर बी है। नेक्स्ट बताए 45 तक डाउट्स। से पहले कोई ये हो गए, ये सब समझ में आ रहे हैं ना आप लोग को? सर 44। अच्छा 44 बताना है, ठीक है ठीक है। 44 देखें तो यार इसने प्लेट्स ऐसे बना दी हैं, मैंने क्या बताया तुरंत क्या कर लो इनकी नेमिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 डन। अभी प्लेट नंबर 1 इनपुट से कौन कनेक्टेड है, कौन सी प्लेट्स? 1 and 6 1 के सामने कौन सी है? 2 6 के सामने 5 2 5. से कनेक्टेड है 3 से 3 ठीक 3 के सामने 4 4 किससे कनेक्टेड है 5 से और ये खुद 4 5 and 3 ये तीनों ही किससे कनेक्टेड है बी से आउटपुट से। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है ये तो आउटपुट के बीच में ही है ना पूरा, क्या हो गया शॉर्ट हो गया, सिर्फ कितने कैपेसिटर काम में आ रहे हैं 2। इसका मतलब ये समझ लो कि इन दोनों से मिलके बना है बी और एक जो है वो बी से ही स्टार्ट हो रहा है और एंड भी बी पे हो रहा है, तो ये कैपेसिटर वेस्ट। और मैंने पहले भी बताया कि अगर ऐसे कनेक्शन है दो वायर्स है और बीच में कुछ भी नहीं है तो वो कैपेसिटर वेस्ट हो जाता है। ओके ठीक है 45 देखें। ओके तो देखें क्या है कि 2 है 4 है और दोनों को ही किससे चार्ज किया है 12 वोल्ट से। अभी कनेक्शन ऐसे किया गया है कि विद द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंट टू द नेगेटिव ऑफ द अदर, इसका मतलब ये प्लस है और ये माइनस है। और हुआ क्या है कि इसकी प्लस को किससे कनेक्ट किया है माइनस से और इसके माइनस को प्लस से, यही है ना कनेक्शन, समझ आया ना? पॉजिटिव प्लेट ऑफ ईच जॉइंट टू द नेगेटिव ऑफ द अदर, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, डन? यस। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो यार बताया था ना कि अगर ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो दोनों कैपेसिटर का कौन सा वोल्टेज आ जाएगा, एक कॉमन कॉमन। और वो कैसे निकालते हैं यार? C1 V1 - C2 बेटा अब बताओ मुझे डाउट क्या है इस क्वेश्चन में तुम लोग का, वैल्यू रख के सॉल्व करना ना, ठीक है कर लेते हैं। 2 × 12 - 4 × 12 / 2 + 4 ओके सॉल्व कर लेते हैं 12 × 2 = 24 - 48/6 सब्ट्रैक्ट किया आएगा -24/6 डिवाइड करके कितना आएगा -4 ठीक है, मतलब कि दोनों का 4 वोल्टेज हो जाएगा। और मतलब ये कहने का मतलब ये है कि हमने किसी एक को नेगेटिव ले लिया हुआ है, मतलब ये साइड पूरा नेगेटिव बन जाएगा, ये साइड पूरा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। चलो मुझे समझ नहीं आता यार, अगर आपको 145 डाउट आया तो इसका मतलब आप सोचते ही नहीं हो क्या क्वेश्चन के बारे में कि सर ने कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ाया, बेकार पढ़ाया यार। अगर आप लोग अभी 12th में आके अपना माइंड एक्सरसाइज नहीं करोगे तो सच में इम्प्रूव नहीं कर पाओगे यार। चले नेक्स्ट करते हैं 150 तक बताएं डाउट्स।
150 तक डाउट्स, 55 तक डाउट्स बताएं। एक मिनट, क्लियर नहीं हुआ, कौन सा? 51 एंड 53। 51 एंड 3, और कोई टेल 55? 54। चले टेल 60 बताएं, टेल 60 कोई और? टेल 160। नहीं सर। ओके चले देखें, ओके तो बेटा 2 माइक्रोफेरेड से आपको क्या लेके आना है, 5 माइक्रोफेरेड। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने तीनों को लगा दिया पैरेलल में तो कितना आ जाएगा आंसर? 6। तो भाई 6 तो नहीं चाहिए, अगर 4 लगा दिए पैरेलल में तो 8 आ जाएगा, जबकि हमें रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए किसमें लगाना पड़ेगा आपको? सीरीज में। तो ये 2 हमने लगा दिए सीरीज में, तो सीरीज में अगर आपने लगाया तो ये तुरंत क्या हो जाएंगे, सी बाई टू, मतलब कितना बचेगा? 1। क्लियर ना? हाँ, इसका मतलब, हाँ इसका मतलब क्या हो गया कि मिनिमम जो हम केस ले सकते हैं वो 2 इन दोनों को मिला के क्या ले सकते हैं, 1। ये 2 है तो एक्स्ट्रा भी क्या रिमेनिंग है, 1 और 1 पैरेलल में 2 लगाना पड़ेगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5। तो मतलब 3 कैपेसिटर से तो कभी 5 नहीं ला सकते हो, क्योंकि पैरेलल लगाओगे तो इवन आएगा, सीरीज लगाओगे तो कम हो जाएगा तुरंत, तो एक और पैरेलल लगाना पड़ेगा, तो मिनिमम 4 चाहिए। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, ये क्वेश्चन दिमाग लगा के ही करना पड़ता है। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखें। अच्छा एक चीज और, एक क्वेश्चन मुझे पता नहीं आप लोगों को मिला कि नहीं, एक कैटेगरी और होती है, मैं यूजुअली उसे बैटरी में सिखाता हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बट कैपेसिटर में भी आ जाता है। सोचो आपके पास 1 माइक्रोफेरेड 1 वोल्ट का कैपेसिटर है और आपको एक बड़ा कैपेसिटर बनाना है जो कि कितना सस्टेन कर सके, 20 वोल्ट सस्टेन कर सके, लेकिन उसका कैपेसिटेंस सिर्फ कितना ही होना चाहिए, 5 माइक्रोफेरेड। तब क्या करेंगे? तो अगर आपको 20 वोल्ट एडजस्ट करना है, सबसे पहली चीज क्या है, पहले सी को बैलेंस करेंगे या वी को, बताओ? पहले वी को सेटिस्फाई करते हैं, अदरवाइज वर्क ही नहीं करेगा सिस्टम। तो अगर आपको 20 वोल्ट सस्टेन करना है तो कितने कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे आपको? 20। कैसे लगेंगे 20? सीरीज में। समझा कि नहीं यार? तो इसका मतलब आपको मिनिमम कितने कैपेसिटर चाहिए, 20। लेकिन अगर 20 यूज करोगे तो ये कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट 1/20। जबकि मैंने कहा कि मुझे सी, चलो 5 ज्यादा हो गया, मुझे सी भी कितना चाहिए, 1 माइक्रोफेरेड। तो कुछ लोग सीधा आंसर कर देते हैं 20, बेटा 20 नहीं, जैसे आप 20 कनेक्ट करोगे सी कितना हो गया, 1/20। तो अगर आपको 1 माइक्रोफेरेड चाहिए, 1 माइक्रोफेरेड भी अभी भी बहुत ज्यादा है, चलो 0.2 कर लेते हैं, हमें कितना चाहिए, 0.2 माइक्रोफेरेड चाहिए। तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना चाहिए 120 में 0.2 लाने के लिए, 2 या 100 का? हाँ। नहीं सॉरी माय मिस्टेक, कितना मिनिमम ब्रांचेस रखेंगे कि 0.2 आ जाएगा, 4। 120 में किसका मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना आ जाएगा, 0.2। इसका मतलब अगर आपको 0.2 माइक्रोफेरेड लाना है तो ऐसी कितनी ब्रांचेस चाहिए होंगी, 4 ब्रांचेस, क्योंकि पैरेलल में क्या होती है, सी इक्विवेलेंट ऐड होता है, मतलब 4 इनटू
1/20 विच इज 0.2। ये एक स्पेशल पॉइंट है, ये क्वेश्चन आप अच्छे से मार्क कर लेंगे। ऑल्दो मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में बैटरी बनाने में यूज कराता हूँ स्मॉल सेल्स को, लेकिन आप डेफिनेटली कैपेसिटर में भी यूज कर सकते हैं। तो टोटल कितने कैपेसिटर यूज हो गए? 20 तो यूज करने ही पड़ेंगे हर ब्रांच में, नहीं तो फिर 20 वोल्ट नहीं सस्टेन कर पाएगी ना वो ब्रांच। और कितनी ब्रांच लगानी पड़ेंगी? 4। कितने कैपेसिटर यूज हुए? 20 × 4 80 कैपेसिटर यूज हुए। तो मिनिमम 80 कैपेसिटर चाहिए होंगे ये बड़ा कैपेसिटर बनाने के लिए। क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन किसी ने देखा शीट में, याद है क्या? क्वेश्चन 180। ठीक है, चले देखेंगे हम अभी। चले डिस्कस कर रहे थे हम कौन सा नंबर, 151 हो गया, 153 देखना था, 153 देख लेते हैं। अभी आ जाएगा सर। इन द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द कॉम्बिनेशन। अभी चलो ठीक है आयुष, बताओ फिर ये किस टाइप का फिगर है, समझाओ हमें क्या हो रहा है यहाँ पर। दो कैपेसिटर है, दोनों का वोल्टेज कितना है? 20 वोल्ट। अब उन्हें सेपरेट किया है, ओके? और ऐसे कनेक्ट किया हुआ है कि नेगेटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट। उसके बाद फिर से नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया क्या ऐसा कुछ? देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। क्या कह रहा है कि नेगेटिव को कनेक्ट किया किससे? पॉजिटिव से। बट उसके बाद बोल रहा है क्या कि वापस से इसके नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ऐसा बोला क्या? नहीं सर। प्रीवियस एक क्वेश्चन था ना, उसमें बोला था ऐसा, याद आ रहा है कि नहीं अभी? हाँ सर। अभी रिसेंट एक क्वेश्चन ये देखा था, 145 में बोला था कि वापस से भी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब 144 कैसा क्वेश्चन बना था, कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन। ये समझा कि नहीं क्या बना था 145? हाँ सर। ओके, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपने डाउट पूछा है, क्या इसमें कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन बन रहा है? नहीं, इसमें सिंपल स्ट्रेट कैपेसिटर कनेक्शन है कि एक प्लस है एक माइनस है, और माइनस को किससे कनेक्ट कर दिया है? प्लस प्लेट से। बस आगे इन दोनों को कनेक्ट किया क्या? नहीं। तो ये नहीं। ऐसा ओपन कनेक्शन हुआ, ओके ना? हाँ सर। हाँ, तो पहले अगर मैं बात करूं कि ये 20 वोल्ट था और ये 20 वोल्ट था, अब पूछ क्या रहा है फॉर दिस कॉम्बिनेशन कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये कैसा दिखने लग गया सीरीज में? हाँ देखो ना, स्ट्रेट ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, टोटल वोल्टेज कितना आ जाएगा? 40 वोल्ट। तो ये कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन नहीं है कि दोनों कैंसिल करके क्या कर देंगी प्लेट? जीरो। बस ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। डिफरेंस ओके है सभी को? हाँ सर। चले ठीक है, 160 तक कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट 154 है, देखिए 154। ये तो दे दिया ना यार, ये सी है, ये भी है, दूसरा कैपेसिटर सी है और वी है, तो कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है यार। हाँ अभी कुछ लोग सोच रहे सर सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ऐड करेंगे, यार इतना सिली क्वेश्चन अगर दिया है तो दोनों करके चेक करना पड़ेगा किससे ऑप्शन मैच हो रहे हैं। ओके, नहीं कनेक्शन दिया, सॉरी माय मिस्टेक, क्या दिया है? पैरेलल विद अनदर, नहीं ये नहीं दिया है, पैरेलल दिया है तो पैरेलल में क्या होती है, प्लेट सेम कनेक्ट होती है, बस ऐसा कनेक्टेड है। तो अगर कुछ भी नहीं बोला तो हमें पोलैरिटी सेम ही माननी चाहिए, ओके है? यस सर। हाँ चले कोई बात नहीं, कॉमन पोटेंशियल का आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो यार, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो 60 तक कोई और डाउट क्या रिमेनिंग? नहीं सर। 70 तक बताएं डाउट्स। 63 एंड 70, और कोई 66
66 and 7 चले देखें। अरे भाई ये क्या बन गया है, बिट स्टोन है यार, ये नोट्स का क्वेश्चन है, नोट्स का वीडियो लेक्चर देखो यार, दसियों बार चिल्ला के बोला है कि वीट स्टोन है और बताया था सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर सारे सेम है तो क्या आता है इक्विवेलेंट, सी नॉट आता है। आंसर की गलत है क्या इसमें भाई? नहीं सर। तो बेटा जिन लोग को ये डाउट है इसका मतलब नोट्स को तो मतलब बिल्कुल इज्जत नहीं दे रहे हो यार, ठीक है कोई बात नहीं, आप और आपकी नोट्स ही जानेंगे फाइनली बाद में क्या होगा। 66 देख लेते हैं, देखें अगर V वोल्टेज कितना रीड कर रहा है 10, मतलब इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कितना है 10, तो क्या बताना है चार्ज, जबकि हमें C सबका पता है। तो आप अरेंजमेंट देखो यार कि ये वायर से कनेक्टेड है ना, तो रीड्रॉ करोगे ना यार इस सर्किट को, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है A ही है, इसका मतलब अगर ये पॉइंट A ही है तो ये सारे कैपेसिटर इधर भी से कनेक्टेड है, तो ऑल फोर किस में है, पैरेलल में है भाई, ऑल फोर पैरेलल में है, तो आंसर कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का 40 4C, ठीक है 40 क्यों आएगा यार, सी कितना 20 आएगा ना, 20 ठीक है, तो वी पता है हमें, वी पैरेलल है सबका, वी क्या होगा सेम होगा, तो वी सबका क्या है सेम है, तो इसका मतलब टोटल कितना क्यू आ जाएगा सी इंटू वी, क्लियर, तो कितना आ जाएगा 200 माइक्रो कूलम्ब, ये आ जाएगा क्या टोटल चार्जेस, अरे यार टोटल पूछा ही नहीं था, क्या पूछा है ईच कैपेसिटर ना, तो बात खत्म, ईच कैपेसिटर को कितना वोल्टेज मिल रहा है 10, सबको सब पैरेलल में कनेक्टेड है सबको 10 मिल रहा है, तो सबका क्यू कितना आ जाएगा सी इंटू वी 50 माइक्रो कूलम्ब, ठीक है ये तो कुछ क्वेश्चन बना ही नहीं, सिर्फ समझना था कि यार सारे किसमें है पैरेलल में, और वोल्ट मीटर किसी एक के अक्रॉस लगा हुआ है मतलब उसका वोल्टेज बता रहा है वो। 67 देखें, साहब किसने पूछ लिया है ये, किसने पूछा है बेटा 167, टेंशन ना लो ज्यादा नहीं डांटूंगा, बताओ यार 167 किसने पूछा है, ओके बेटा ये नोट्स में लिखाया है ना यार कि अगर प्लेट्स को अल्टरनेट कनेक्ट किया हुआ है ठीक है, तो फिर पूरे बीच की जो स्पेस है वो सारे कैपेसिटर्स बन जाते हैं, तो अगर n प्लेट्स हैं तो टोटल कैपेसिटर्स कितने आ जाते हैं n-1 लिखाया था यार, अच्छे से हाईलाइट वाईलाइट करके लिखाया था यार, बेटा तुम लोग शीट तो सॉल्व करते हो यार बेटा, लेकिन नोट्स को बिल्कुल इज्जत नहीं देते हो, सही बता रहे, बाद में बहुत पछताने वाले हो, बट ठीक है और जैसा करेंगे वैसा ही आपको आउटकम मिलेगा। चले नेक्स्ट बताएं, 72 70 अभी बाकी है, देखें ओके द टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो पहले क्या किया कि सारे कैपेसिटर को कैसे चार्ज किया V वोल्ट से पैरेलल में, ओके तो सबकी स्पेसिफिकेशन क्या आगे होगा, सबका सी सी इक्विवेलेंट सी रहा होगा और सबका वोल्टेज वी, ये होगा चार्ज, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा जब सबको सीरीज में लगा दोगे, तो सबको सीरीज में अब अगर हम लगा देने वाले हैं तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी सीरीज में लगा देने से बताएं,
अगर इसी सिस्टम को हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? वोल्टेज डिफरेंट कितना हो जाएगा? N टाइम C, सीरीज में कर रहे हैं ना, सॉरी माय मिस्टेक, C by N. अब क्या कहीं यहाँ पर अलग से कोई बैटरी वैटरी आ रही है क्या? बताओ पहले क्या हुआ है, उनको चार्ज किया है वी पोटेंशियल से और फिर सबको सेपरेट करके कैसे ज्वाइन कर दिया है? सीरीज में. देन दे आर सेपरेटेड एंड ज्वाइंड इन सीरीज. अच्छा मुझे इसमें डाउट ये है कि ज्वाइंड इन सीरीज विद द बैटरी है और विदाउट बैटरी? क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं किया हुआ है. अगर विद बैटरी करेगा तो इसका फाइनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा? सेम. तो वी अगर सेम हो जाएगा तो सब पे चार्ज क्या हो जाएगा? बदल जाएगा. और टोटल एनर्जी निकाल पाएंगे हम? ओके तो इसका मतलब टोटल एनर्जी कैसे निकाल लेंगे अपन? सीवी स्क्वायर से, अगर वी कांस्टेंट है. बट ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं कह रहा है तो बताएं आपको क्या लग रहा है, क्या पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए? ये लाइन देखें, देन दे आर सेपरेटेड एंड जॉइंड इन सीरीज. ऐसा कुछ कह नहीं रहा कि बैटरी से ज्वाइन किया है. तो अभी के लिए हम फिर क्या कंसिडर कर लेते हैं? Q कांस्टेंट रहेगा. तो अगर यहाँ पर क्यू सी वी था तो इसका मतलब इधर पर भी क्यू क्या रहेगा? सी वी जितना ही रहेगा. ओके तो इसका मतलब सारे कैपेसिटर का वी क्या आ जाएगा? अलग अलग आ जाएगा. वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? नहीं, टोटल वी एन वी होगा ना. टोटल वी कितना हो जाएगा? वी एन टाइम्स, क्योंकि सी क्या हुआ है? वन बाई एन हो गया है. तभी तो क्यू कांस्टेंट रहेगा ना. क्यू इज इक्वल टू सी इन टू वी. अगर ये वन बाई एन हुआ है तो इसका मतलब इसे कितना होना पड़ेगा? N times. Okay है कि नहीं? ये मैं मान के चल रहा हूँ कि Q constant होगा. पूछ क्या रहा है? Then the total energy and potential difference of the combination. Okay, देखो potential difference पूछ रहा है ना, तो potential difference N times हो जाएगा. और energy का क्या होगा? Energy निकाल लेते हैं system की. N capacitors है और energy कितनी है सबकी? हाफ सी वी स्क्वायर. यहाँ पर एनर्जी कितनी है? टोटल एन कैपेसिटर्स हैं, एन कैपेसिटर्स हैं, या फिर इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. तो मैं देख लेता हूँ, एन कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस कितना है? सी. और सबका वोल्टेज कितना है? सबका वोल्टेज, खुद का वोल्टेज तो वी ही है ना, वो तो ओवरऑल इक्विवेलेंट चेंज हो गया है ना. इसका मतलब एनर्जी में कोई फर्क नहीं आएगा. एनर्जी में नो चेंज. पोटेंशियल सिर्फ एन टाइम्स होगा. ठीक है. इसका मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन स्विच कर देने से एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सब कैपेसिटर की इंडिविजुअल एनर्जी वही है, सिर्फ उनका पैटर्न बदल गया, बैटरी टाइप हो गया. कि पहले पैरेलल में थे तो सब वी वोल्टेज दे रहे थे, सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो सारी बैटरीज ऐड हो गई, इंटेंस वी हो गया. चलो 72-80 में बताएं डाउट्स. 74 और कोई 72-80 में? नहीं रहना चाहिए डाउट. 79 भी वही. क्या चल क्या रहा है? इसका मतलब उस दिन कुछ समझा नहीं गया तुम लोग को? चले पहले ये देख लेते हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं प्लेट वाला. देखें,
अब ये वो होता है यार, लास्ट के 5 मिनट्स में मैंने और 5 to 10 मिनट्स में वो ये सेक्शन बताया था, याद है कि नहीं, प्लेट वाला? हाँ सर। अब कुछ महान लोग होते हैं, लास्ट के 10 मिनट्स पहले ही लीव कर जाते हैं, भाई क्या सीखोगे तुम लोग? चले देखते हैं। ओके, अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये बताओ यार, आप ही बताओ क्या आंसर होगा अगर हम इन दोनों को किसमें कनेक्ट करेंगे? सीरीज में करेंगे तो सिस्टम कितना मैक्सिमम वोल्टेज विदस्टैंड कर सकता है? तो यहाँ पर थोड़ी सी क्या आ जाती है, चीजों की कैलकुलेशन आ जाती है। यहाँ पर केयरफुल रहना है कि हम इतना सिली वे में तुरंत आंसर नहीं कर सकते हैं, समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि कैपेसिटर विदस्टैंड करना मतलब दोनों चीजें यहाँ पर देखने वाली हैं। क्या कि पहले वाले का 1 माइक्रोफेरेड है और वोल्टेज कितना है? 6। ठीक है, इसका कितना है? 3 माइक्रोफेरेड है और वोल्टेज कितना है? 4। ये ओके है, ये दोनों अलग अलग है। अब हमने इन्हें मिक्स किया है तो बताना है कि कितना विदस्टैंड कर सकते हैं। तो जब मैंने अलग अलग बात की थी तो हमने बात की थी कि इसका चार्ज कितना होगा, बताओ पहले वाले का चार्ज कितना होगा? क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, क्यू कितना होगा? 6। मैं यूनिट अभी नहीं देख रहा हूँ, इसका क्यू कितना होगा? 12। इसका मतलब दोनों का क्यू क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों का आपको पहले ये देखना है कि अब आप इन्हें कनेक्ट करेंगे तो क्या चीज कंजर्व रहने वाली है, क्या चीज है जो कंजर्व रहती है, वह चार्ज। आप समझ रहे हो कि चार्ज कैंसिल नहीं हो रहे, न्यूट्रलाइज नहीं हो रहे हैं। अगर आप इन्हें ऐसे कनेक्ट कर देते पैरेलल में तो चार्ज एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? न्यूट्रलाइज। और क्या आंसर आता? कॉमन पोटेंशियल इनका आंसर होता। ओके, चाहिए तो इसे नोट्स में ऐड करेंगे, ये मैं पूरा सिनेरियो बना देता हूँ। नंबर वन, मेरे पास पहले क्या थे? इंडिविजुअल कैपेसिटर थे। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन तो बाद में, इसका कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट नोट्स में ऐड करेंगे कि हमारे पास एक C1V1 का और C2V2 के दो कैपेसिटर थे, तो उनको दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर वन सीरीज में और नंबर टू पैरेलल में। अगर पैरेलल में कनेक्ट करते तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना वो हैंडल करते हैं, बताए? V कॉमन। लेकिन अब जब उनको आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर, तो हमें इन दोनों का क्या निकाल लेना पड़ेगा? Q टोटल। दोनों का Q टोटल कितना है? 6 एंड 12 कितना हुआ? 18। Q टोटल आ गया है 18। इसका मतलब ये हुआ कि V कितना आ जाएगा? आपको पहले इसका C देखना रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम का Q सेम है, C कितना हो जाएगा सिस्टम का? 3/4। सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 1 × 3/4। 1+3 मतलब 3/4। ओके, नेक्स्ट। अब हमें क्या निकालना है? V। तो V कितना हो जाएगा मैक्सिमम इस पूरे सिस्टम का अगर देखेंगे तो? 24। एक सेकेंड, V is equal to Q by C करना पड़ेगा, 18/3/4 24 वोल्ट। इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल कितना आ गया? 24 वोल्ट। एक मिनट है, कुछ गड़बड़ हुआ इसमें। 24 वोल्ट क्या है हमारा कि Q टोटल है, C इक्विवेलेंट है, इन दोनों का मिला के
and V. यूनिट्स को लेके करना पड़ेगा क्या? यूनिट्स में तो कोई फॉल्ट हुआ नहीं है क्योंकि Q और C बार बार भी वही आ रहे हैं सेम वे में. Q total V नहीं यार, ये गड़बड़ है. ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि चार्ज कंजर्व करा दे रहे हैं, Q 6 प्लस 12 को कंजर्व करा रहे हैं. ये कंजर्व नहीं रहेगा, इसका मतलब ये जो हमने Q टोटल निकाल दिया, ये Q टोटल ऐसे नहीं आएगा. ये गड़बड़ हो गया. Q टोटल ऐसे नहीं आएगा क्योंकि दोनों को हम सीरीज में कर रहे हैं, तो डेफिनेटली Q1 Q2 है, इन दोनों में एक ही चार्ज रहेगा Q फाइनल. लेकिन वो जरूरी नहीं कि इन दोनों का जस्ट क्या रहे, वो एडिशन रहे. तो फिर इसे कैसे ट्राई करें, क्या पॉइंट हो सकता है यहाँ पर? सिर्फ कौन सा, तो एक 6 या फिर 12 क्यू लेके सॉल्व करेंगे. क्यू फाइनल 6 कंसीडर करेंगे या फिर 12 कंसीडर करके ट्राई कर. ओके ओके. तो पॉइंट ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि क्यों अगर हम ये माने कि फाइनल चार्ज कितना रहने वाला है, तो कोई तो एक डोमिनेटिंग रहेगा, मतलब किसी एक का मैक्सिमम चार्ज तो सिस्टम में रहेगा. तो सिक्स भी रह सकता है, 12 भी रह सकता है, बट 6 टू 12 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना. क्यों 6 टू 12 के बीच में कुछ भी रह सकते हैं. हाँ सर, एक कैपेसिटर की चार्ज की कैपेसिटी 6 है ना, तो सब में से. ओके ओके ठीक है ठीक है. ये थॉट है, ये पॉइंट है यार, ये पॉइंट है कि हम यहाँ पे चार्ज भी देखेंगे कि एक कैपेसिटर का चार्ज कितना है 6, दूसरे का 12 है. तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि मैक्सिमम उससे ज्यादा चार्ज फ्लो नहीं होना चाहिए, वरना वो कैपेसिटर खराब हो जाएगा. तो यहाँ पर थॉट क्या है, एक्चुअली पॉइंट क्या है कि इस वायर में Q जाएगा सेम. क्या होगा? Q सेम होगा फाइनल. लेकिन मुझे पता है कि कोई भी कैपेसिटर में अगर इसमें 6 से ज्यादा गया तो ये खराब, बट इसमें तो 12 है ना, तो 12 वाले को दिक्कत नहीं होगी. तो मैक्सिमम पॉसिबल Q हमें कितना ले जाना चाहिए सर्किट से? 6. ये थॉट दे सकते हैं हम इस पे देखें. तो इसका मतलब Q फाइनल कितना अज्यूम करना पड़ेगा हमें कि सिस्टम में 6 जा रहा है. तो अभी इसी इक्विवेलेंट कितना है, कितना निकाला था? 3 by 4 ये आया. तो V फाइनल यहां से आ जाएगा कि कितना कैपेसिटर सस्टेन कर सकता है Q by C. ठीक है, तो V टोटल निकालने के लिए मेन क्राइटेरिया यहां पर क्या पॉइंट आया कि हमें एक और चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि सिस्टम का हर कैपेसिटर का अपना Q है, तो जिसका जो मिनिमम Q होगा सर्किट से उतना ही क्यों पास कराएंगे. क्लियर रहेगा सीरीज में? Yes. ठीक है, 74 को ऐड कर लेंगे ध्यान से, 74 को नोट्स में ऐड कर लेंगे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम सेटअप पूछ रहा है तो जिस पे चार्ज क्या है सबसे मिनिमम है उतना ही चार्ज आपको फ्लो कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो कैपेसिटर ब्रेक डाउन हो जाएगा. चले नेक्स्ट कौन सा है? 78. ठीक है, प्लेयर नहीं है क्या? प्लेट करूं मैं? प्लेट में देखें, हमने प्लेट का हमने कब डिस्कशन किया हुआ था? यहाँ पर देखें एक बार, प्लेट का फिर से समझ लेते हैं. प्लेट का क्या समझाया हुआ था? स्टेप वन, पहले क्या कर दी है सारी प्लेट्स की नंबरिंग कर दी. उसके बाद क्या बना लेना, इनपुट एंड आउटपुट. अब आराम से ड्रॉ करना है, पहले देखना है कि इनपुट से कितनी सेपरेट प्लेटेड है. इनपुट से वन है,
फोर है, और उनके सामने वाली प्लेट तुरंत बना लेनी है। फोर के सामने क्या आ रहा है नंबर? थ्री। और वन के सामने? टू। अब देखो आगे क्वेश्चन रीड करो कि आउटपुट से क्या कनेक्शन है। तो दिख रहा है कि टू और थ्री दोनों ही किससे कनेक्टेड है? बी आउटपुट से। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर कैसे होंगे, बस यही रूल आपको फॉलो अप करते जाना है। तो यहाँ पर देखें कि क्या हो रहा है, ये क्या है इनपुट, इनपुट ये आउटपुट, और ये कुछ एक पॉइंट है जो इन दोनों को क्या करके रख रहा है, सीरीज में कनेक्ट करके रख रहा है। तो नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गई? अब बताओ ए ए से क्या स्टार्ट है? टू और टू और भी है ऐसे थ्री कनेक्टेड। थ्री कौन कौन कनेक्टेड है ऐसे? टू और थ्री। टू के सामने क्या है? वन। थ्री के सामने फोर। अब आगे देखो आउटपुट को बना लो बी। आउटपुट से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? फोर एंड थ्री। अरे फाइव। अरे इसके वाले नंबर मत देखो यार, बी से कौन सी कनेक्टेड है प्लेट? फोर एंड फाइव। तो फोर तो एक अलग कनेक्टेड दिख गई, फाइव एक अलग से एज्यूम करनी पड़ेगी। और फाइव के सामने कौन है? सिक्स। और सिक्स किससे कनेक्टेड है बाय द वायर? वन से कनेक्टेड। बताइए समझा कि नहीं आ रहा बी स्टेप? हाँ सर। तो आपको इनपुट और आउटपुट से बस प्लेट काउंट करनी है, ठीक है ना? यस सर। चलो 78 हो गया, तो अब इसे भी कर लेते हैं। इसके वाले नंबर हटा दो, ये मत रखो, खुद के नंबर दे लो 1 2 3 4 5 6। अभी ए बनाएंगे ए से चेक करेंगे, और बी बनाएंगे बी से चेक करेंगे, ठीक है? चलो ए बनाते हैं। ए से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 2 एंड 3। इन दोनों के सामने कौन कौन सा है? के सामने थ्री के सामने फोर। अब बी से स्टार्टिंग करो, बी से कौन सी प्लेट कनेक्टेड दिख रही है? सिक्स। और कोई कनेक्टेड है क्या बी से? नहीं है, तो बी खत्म। सिक्स सिक्स के सामने कौन सी है? फाइव। फाइव का कनेक्शन किससे दिख रहा है? फोर। ऐसे दिख रहा है वन से भी कनेक्टेड है, और फोर का तो पार्ट है ही फाइव, दिख रहा है कि नहीं? फाइव फोर का इंटीग्रल पार्ट ही है, तो इससे तो कनेक्टेड है, और साथ में किससे कनेक्टेड है? वन से भी ना। One. तो बन गया, क्या दिख गया? ये दो पैरेलल इसके साथ सीरीज में। सीरीज समझा कि नहीं बताइए अभी? हाँ सर। पक्का प्लेट वालों में अब दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक है ओके। 180 देखें, 180 एक पॉइंट आया था, पहले क्वेश्चन आया था, क्या था? द नंबर ऑफ कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस वन एंड ईच वन ऑफ विच गेट्स पंक्चर्ड इफ द पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट एक्सीड 500 वोल्ट। तो कैपेसिटर कितना है? 1 माइक्रोफेरेड एंड 500। अब हमें एक ऐसा अरेंजमेंट बनाना है जिसका कैपेसिटर 2 हो, और कितना वोल्ट कंसिडर कर पाए वो? 3000। तो पहले वोल्टेज को फाइनलाइज करते हैं या कैपेसिटेंस को? वोल्टेज को। तो 300 सस्टेन करने के लिए कितने कैपेसिटर चाहिए हमें? 6। सबको क्लियर है? यस। 6। तो ये हुआ कि टोटल कैपेसिटर इन अ ब्रांच होगा 6। तो इनका सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? C/6। C/6 मतलब 1/6 आ गया। वोल्टेज तो आ गया 5 × 6 मतलब 3000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको वापस से 2 माइक्रोफेरेड लाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12। तो इसका मतलब कितनी पैरेलल ब्रांचेस चाहिए होंगी? 12। पैरेलल में हमें चाहिए 12। तो टोटल कैपेसिटर कितने हो गए? 72 6 × 12। समझा कि नहीं बताइए? यस सर। यस सर। यस। ठीक है ठीक है, चले 190 तक डाउट्स बताएं।
188 ओके नेक्स्ट 190 तक कोई और डाउट 184 भी ठीक है चले 184 ना क्या पूछा है ए एंड बी कहाँ है ए एंड बी देन पी एंड क्यू का कितना गिवन है 900 तो पहले तो आपको पूरा क्यू चाहिए होगा मतलब ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि कुछ भी ऐसे आप अलग से नहीं निकाल सकते पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको डन तो देखें ये तीन किसमें हो गए सीरीज तो इनका क्या है रिजल्ट वन 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 ये वन किसके साथ पैरेलल में हो गया टू के साथ कितना हो गया टोटल थ्री थ्री फिर ये थ्री सीरीज वन फिर ये वन और टू पैरेलल थ्री फिर ये थ्री वन तो सी इक्वलेंट कितना आ गया वन माइक्रोफ़ारड तो क्यू इज़ इक्वल टू कितना हो गया सी वी मतलब 900 माइक्रोकूलम आ गया क्यू अब बात आएगी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा देख लो यार डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि ये तीन कैपेसिटर थे ना इक्वल थे तो कितना कितना वोल्टेज लेंगे 300 लेंगे ना सब लोग अरे तीनों सीरीज हुए ना जब ये पूरा मिला दिया मैंने यस सर अच्छा अब इस 300 के पार्ट होने वाले हैं क्योंकि इधर आया था 1 और ये कितना था 2 तो बताओ पार्टीशन कितना कितना होगा दोनों तो पैरेलल है ना तो फर्क पड़ेगा ही नहीं अभी भी इस ब्रांच को कितना मिल रहा है वोल्टेज 300 इसका मतलब इस ब्रांच को वोल्टेज कितना मिल रहा है यहां से यहां तक 300 बट इन तीनों को मिला के कितना है यहाँ पर 3 और ये तीन किसमें है सीरीज में तो कितना कितना लेंगे वोल्टेज 100 तो ये 100 वोल्ट लेगा ये 100 वोल्ट लेगा और ये 100 वोल्ट क्लियर फिर ये तीनों वापस से शेयर करेंगे तो 100/3 100/3 तीनों लोग ले लेंगे क्लियर एबी के क्रॉस कितना वोल्टेज है 100 वोल्ट इसी तरीके से इसे करना पड़ेगा बिना मतलब अगर आप पेन लगा के और पूरा सॉल्व करने लग जाओगे ना तो मतलब डेफिनेटली एक पेज पूरा लग जाएगा क्लियर है क्या 84 हाँ सर एटी एट देखें ओके तो पहला नंबर वन जब ऐसे थिन फॉइल इंसर्ट किया कुछ कनेक्शन नहीं किया तो यार क्या बताया कि इसका टी बाई के हो जाएगा ना के इनफाइनाइट है बट टी क्या है नेगलेजिबल है ना नेगलेजिबल है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा ओके ना हाँ सर तो पहले का तो सी ही रहेगा दूसरे को क्या किया है अब वायर के साथ कनेक्ट कर
ओके देखिए तो क्या पॉइंट बता रहा था मैं, प्रॉब्लम ये कि अगर आप वायर से कनेक्ट कर दोगे तो पूरा चार्ज क्या हो जाता है, नेक्स्ट प्लेट पे ट्रांसफर हो जाता है, तो वो नेगेटिव नहीं बनता कि वो स्टोरेज एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, अंदर का फील्ड वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा, ये प्लेट क्या बन जाएगी पूरी और ये वाली नेगेटिव, तो इसका मतलब सिर्फ कितना थिकनेस का कैपेसिटर यूज होगा, D by 2, तो C कितना आ जाएगा इसका, 2C, D by 2, 2C आ जाएगा, ठीक है? Yes sir. चले नेक्स्ट बताएं, 95 तक बताएं डाउट्स, ninety eight और कोई 95 तक, 200 तक कोई, यार मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? यस सर, हाँ सर, 200 तक, 200 तक 198 डाउट है, देखें ओके तो इसका कैपेसिटेंस यार सॉल्व करना है, तो यार इसका कैपेसिटेंस देखिए, अ कैपेसिटर इज मेड ऑफ अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया ए एंड सेकंड प्लेट हैज अ स्टेयरकेस स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो पहली प्लेट हो गई है और दूसरी प्लेट हो गई है, क्या समझाया था कि स्ट्रक्चर जो कैपेसिटेंस होगा सिर्फ वो प्लेट के सामने ही आ सकता है, ओके मतलब ये हो गया, अब बताओ यार ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है कि नहीं, इसे मैं ऐसा वर्टिकल बना लेता हूं, ये ऐसा कैपेसिटर है, तीनों किसमें है, तीनों किसमें है, पैरेलल में है, ठीक है पैरेलल में है, तो फिर कुछ नहीं, मजबूरी आपको सॉल्व करना पड़ेगा C1 C2 और C3 का 1/1 वाला फॉर्मेट, समझा कि नहीं, बताएं समझा, यस सर, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या थोड़ी सी, ओके एक मिनट होल्ड करें जस्ट सेकंड, ना मैं देख लेता हूँ, एक मिनट ओके अभी बताएं क्लियर है क्या, यस चले ठीक है,
नेक्स्ट बताएं 210 तक डाउट्स 202 ओके 202 देखें, ये तो प्लेट कनेक्शन दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है? प्लेट कनेक्शन। और कैसा कनेक्शन दिख रहा है? कैसा कनेक्शन दिख रहा है? अल्टरनेट। अल्टरनेट तो मतलब तीनों कैपेसिटर किसमें है? टोटल 5 प्लेट्स है तो कितने कैपेसिटर बने? 4 और सारे किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में और वी वोल्ट की बैटरी से। ओके तो क्या कनेक्शन हो जाएगा? इस तरीके से हम बना सकते हैं इनको पैरेलल में। क्लियर ना? तो इधर की सारी जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो कैसी हो जाएंगी? पॉजिटिव। और ये जो इधर नेगेटिव से कनेक्टेड है ये अपनी नेगेटिव हो जाएंगी। क्लियर? ओके है। अभी क्या पूछ रहा है डिफरेंस? पहला पार्ट द प्लेट आर कनेक्टेड, ठीक है, व्हाट आर द चार्जेस ऑन प्लेट 1 एंड 4। तो प्लेट 1 कहाँ है? 1 पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। और 4 पे कैसा है? नेगेटिव। और क्यू कैसे निकाल सकते हैं? सी इंटू वी। क्यों? क्योंकि सारे पैरेलल है ना, तो सबको पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो क्या अलग से वी निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि टोटल क्यू आप निकाल लोगे, क्यू टोटल की जरूरत ही नहीं, हमें तो सब पे इंडिविजुअल क्यू चाहिए ना। ओके हाँ, तो इंडिविजुअल क्यू कितना हो जाएगा? प्लेट 1 पे कितना है? पॉजिटिव। इधर पे क्यू कितना हुआ? सी वी। सी कितना है? सी क्वेश्चन में क्या दिया है? नहीं दिया, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ये कितना दिया है? वी। तो ये हो गया किसमें? प्लस 1 में। अच्छा 1 में पूरा चार्ज किस साइड पे है? एक साइड पे ही है, ठीक है। जबकि 4 पे क्या है? 4 पे सेम चार्ज इस तरफ है, सेम चार्ज इस तरफ है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टू टाइम्स हो जाएगा। ओके तो प्लेट के केस में थोड़ा ये ध्यान देना है कि टोटल चार्जेस के बारे में देखना है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है कई बार कि एक प्लेट है, ये कैपेसिटर है और हमने इसे 50 कूलाम चार्ज दे दिया और ये कैपेसिटर है, तो बताओ क्या 50 कूलाम यूज हो जाएगा क्या? नहीं। क्या समझाया था? हाफ आता है, इस पे चार्ज क्या? जीरो। तो आउटसाइड कितना आएगा? 25 मतलब 25 आएगा इधर, 25 आएगा इधर, फिर इधर आएगा प्लस 25 और सेम इधर आएगा माइनस 25। तो पूछता है कि बताओ कि वोल्टेज वगैरह क्या होगा, तो उसमें जो क्यू यूज होगा सिर्फ कितना यूज होगा? 25, क्योंकि ये वाला जो 25 है कहाँ चला जाएगा? अर्थ में। तो इसे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करके स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स में ऐड कर देंगे ध्यान से, कि अगर ऐसे कैपेसिटर के एक प्लेट को ऐसे दे रहा है प्लेट कैपेसिटेंस वाले में, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपको कि उसका फुल क्यू यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमने कैपेसिटर से क्यों निकाला वो सिर्फ इसका 1 साइड का चार्ज होता है, ओके ना, और वो प्लेट 2 बार यूज हो रही है, नेगेटिव नेगेटिव 2 तरफ। जीरो सेवन देखें, ओके तो प्रॉब्लम यह है कि एक रेडियोएक्टिव जो सोर्स है वो मेटल स्फीयर है और किस फॉर्म में जा रहा है? वो चार्ज एमिट कर रहा है। क्या कर रहा है? चार्ज एमिट कर रहा है। बीटा पार्टिकल मतलब होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता चल गया ना कि पर सेकंड चार्ज कितना जा रहा है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छा आप दिया, इफ द सोर्स इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इट्स पोटेंशियल टू राइज बाई वन वोल्ट, assuming that 80% of emitted beta particle escape from the source. तो इसका मतलब पूरे बीटा नहीं यूज हो रहे हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एस्केप करेंगे उतने ही तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तो इसका वोल्टेज लिखने में कितने परसेंट काम आ रहे हैं, सिर्फ जो रिमेनिंग है या जो एमिट हो रहे हैं? एमिट हो रहे हैं, मतलब 80% यूज हो जाएगा इसमें। तो V is equal to, अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, V को कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, हम इसे के क्यू बाई आर भी लिख सकते हैं या फिर क्यू बाई सी भी लिख सकते हैं, जो कि 4πε0r, मतलब यही आंसर आता है, ठीक है ना। बस क्यू का ध्यान देना है कि वो क्या हो जाएगा, 80%, मतलब 80/100 इंटू ये जो क्यू है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स इंटू एक बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। क्लियर है सभी को? तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट क्या था, क्यू निकालना था, बाकी तो सब आपको समझ में आ गया। ओके टाइम क्या चीज टाइम ओके ओके टाइम का क्या यूज है, हमें टाइम निकालना है ना। तो फिर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि हमें वन वोल्ट पोटेंशियल लाने के लिए क्या करने के लिए, वी वन वोल्ट लाने के लिए कितना चार्ज चाहिए, यहां से क्या जाएगा क्यू टोटल, तो क्यू कितना आ जाएगा, सी इंटू वी। और हमें अगर टाइम निकालना है तो हमें पता है कि क्यू टोटल अपॉन हम उसकी रेट से डिवाइड कर दे क्यू, तो क्या आ जाएगा एक्चुअल हमें टाइम। ओके ना, ये पॉइंट समझा ना। अगर मैं बोल रहा हूँ 220 चार्ज पर सेकंड आ रहा है, बताओ 800 चार्ज कब आ जाएगा, तो 800 बाय 20 ही तो करोगे ना। क्लियर? यस ठीक है, चले 20 तक बताएं डाउट्स। आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है ना, अगर नहीं भी किया हुआ है तो मैं बता रहा हूं, पूरा शीट कंप्लीट कर लो, फुल शीट कंप्लीट कर लो, सिर्फ आरसी को छोड़ के बाकी पूरा पेपर में आएगा। जो भी डाउट आते हैं आप व्हाट्सएप भी भेज सकते हो, जिन लोगों ने अभी नहीं पूरा कंप्लीट किया या बाद में कुछ और एक्स्ट्रा डाउट आ रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है, तो आप व्हाट्सएप भेज सकते हो, नो इश्यूज। हाँ चले फाइनल बताएं पूरी शीट में कंप्लीट, जिन लोगों ने कर लिया है वो बताएं, कोई डाउट रिमेनिंग है क्या? यार कितने लोगों ने कर लिया पूरी फुल शीट बता दें, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कितने लोगों ने कंप्लीट कर ली शीट। यस सर। ओके देवशीष गुड, और आंसर करें या रेज योर हैंड, जिन लोगों ने शीट कंप्लीट कर ली। अच्छा 200 तक कितने लोगों ने कर ली, 200 तक रेज योर हैंड जिन्होंने 200 तक क्वेश्चन कर लिए, शिव प्रसाद और समर्थ देवाशीष और बताएं, जिन्होंने 200 तक कर लिया है नेम रेज योर हैंड। यस सर। ओके प्राजीन, और सिर्फ ओनली 4-5 स्टूडेंट्स, यार डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाला है तुम लोग को, डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा, पूरी शीट कंप्लीट कर लो, अदरवाइज सही नहीं है यार। कल है, टाइम है भी आपके पास, आफ्टरनून तक कर लो, बाय द वे ऐसा होना नहीं चाहिए था, अगर आज डिस्कशन है तो आज कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट स्टिल जिनका नहीं हुआ है कंप्लीट कर ले। ओके okay?
चलो ठीक है, फिर अभी इतना ही रखते हैं। जिनको जो भी डाउट रहेगा वो व्हाट्सएप रेटी व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलो बाय बाय एवरीवन देन। बाय बाय गाइस।